हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ। आज हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कुछ टिशू से हट के, यानी कि टिशू के बाद जिन अंगों का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में। इसके पहले के चैप्टर में हम लोगों ने टिशू कम्प्लीट कर दिया, टिशू का नॉर्मली चैप्टर हम लोगों ने कम्प्लीट किया है। जैसे जैसे आगे हम लोग अपनी वीडियो बनाएंगे उसमें और भी डेवलप करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑर्गन ऑफ बॉडीज। ये हमारी जितनी भी बॉडी है, एक बात पहले और, सेल से मिलकर क्या बना है, टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड बॉडी। ओके, तो अब हम लोग ऑर्गन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं जिनके अपने अलग एक फंक्शन, अलग एक वर्क होता है, अलग एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण उसको पहचान पाते हैं कि हमारा ये बॉडी का ये ऑर्गन है। जैसे कि ये हाथ के काम को देखते हुए हम इसको अपना हाथ मानते हैं। पैर, आँख, नाक, ये सब हमारी बॉडी के एक पार्ट है, एक ऑर्गन है। अब हम लोग देखेंगे कि जितने भी ऑर्गन, ये कितने ऑर्गन क्या क्या अपने अपने वर्क करते हैं, क्या इनमें डिफ्रेंशिएटेड होता है, और जानेंगे इन सभी के बारे में डिटेल में। आज हम लोग एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग ऑर्गन ऑफ बॉडी के बारे में। देखिए, यहाँ पे ऑर्गन ऑफ बॉडी है, यहाँ पे लिखा है शरीर का वह भाग जो अपने आकार तथा गुण के कारण स्पष्ट रूप से पहचाने जाते हैं। ऐसे पार्ट्स जिनके एक निश्चित काम होने के कारण, इनके आकार होने के कारण हम उसको पहचान कर बता सकते हैं कि वह बॉडी का कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑर्गन होता है। ठीक, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम का अर्थ ये होता है कि जिसमें अलग अलग अंग मिलकर, अंग के अंदर भी और भी बहुत सारे पार्ट्स मिलकर एक फुल वर्क करते हैं एक ऑर्गन का। जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग क्या, रेस्पिरेशन, हमारे श्वसन का बात कर ले, इसमें भी अंग भाग लेते हैं, ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे नाक से भाग लेते हुए आपकी ग्रास नली, ओसोफेगस से, ग्रसिका से, लंग से जाते हुए आपका कंप्लीट रेस्पिरेशन खत्म होता है यहाँ पे। उसी तरह डाइजेशन, माउथ, लीवर, स्टमक, अग्नाशय, मैंने बहुत सारे तमाम चीज़ें हैं, बढ़िया छोटी याद, एनस पार्ट, लास्ट वन पार्ट होता है, इन सभी के बारे में उसको सिस्टम बोलते हैं। किस सिस्टम तरीके से क्या चीज़ वर्क हो रहा है, कौन सा सिस्टम यूज किया जा रहा है, कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स या कौन कौन से ऑर्गन बॉडी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी के बारे में जानना ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, देख लेते हैं, शरीर के अलग अलग अंग एक साथ मिलकर एक खास यानी कि एक मेन वर्क को करने का कार्य करते हैं। इस कार्य को तंत्र कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ऑर्गन किसे कहेंगे, ग्रुप ऑफ हम लोग टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू बोलते हैं ऑर्गन को। ग्रुप ऑफ टिश्यू की अगर बात की जाए तो वह होता है ऑर्गन। और ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन हम उसे बोलते हैं जो एक मेन पार्ट है, अपना उसका अलग फंक्शन हो, अलग वर्क हो, अलग स्ट्रक्चर हो, उसे उस बॉडी का ऑर्गन बोलते हैं, पार्ट्स बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं जिनका अपना अलग ही अलग एक वर्क होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में। ऑर्गन सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड एंडोक्राइन सिस्टम। टोटल यहाँ पे 9 सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी 9 सिस्टम है इनका अपना अलग अलग एक वर्क है, अलग अलग एक कार्य है, और ये अपना वर्क को किसकी सहायता से कंप्लीट करते हैं, क्या क्या इसमें पार्टिसिपेट देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बस आपके नॉलेज के लिए कि ऑर्गन के बारे में, ऑर्गन क्या होता है और उनमें जो ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि जो आपका यहाँ पे सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम, उसमें कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम आ सकते हैं। हम लोग टोटल 9 ऑर्गन सिस्टम के
बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को, कल की वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं कल की वीडियो में, कल तक टाटा बाय बाय।